बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो कल जो जनरेटर खोला था, उसका जो हेड खोला था, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो ठीक करवाने के लिए आज शहर जाने का मूड है। क्यों, हमने ही ठीक करवाना है। तो मैं जा रहा हूँ, सात दोस्त जाएगा। तो बाइक अब्बा जी लेके गए हैं अड्डे तक, वो आ जाएंगे। हेलमेट मेरे पास है, हम बाहर इंतज़ार करते हैं, इतना अब्बा जी आ जाएंगे। अभी हमारी वापसी हुई है, तो अभी मैंने वजू करने लगा हूँ क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद फिर जो काम है ये भी मुकम्मल करना है, क्यों आजकल लाइट का थोड़ा सा ज़्यादा तंग करती है, तो मस्जिद में जनरेटर की ज़रूरत भी पड़ती है। तो बस वजू करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर जो काम है वो करते हैं अपना। असल से पहले तकरीबन वो चालू हो चुका था जनरेटर, जो हमने बनाना था वो बना लिया था मैंने, लेकिन आज मेरा पूरा दिन लग चुका है उसी पे। पहले शहर काफ़ी टाइम लगा है, तकरीबन 3-4 घंटे लगे हैं, फिर आके उसकी फिटिंग भी की है, तो अब बस हो चुकी है। क्योंकि रोज़ा भी था मेरा। ये किचन की सूरत हाल है, ये कुकर में दाल पक रही है, ये आलू बन रहे हैं और ये पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है और समोसे भी बनेंगे। ये आलू समोसों के लिए हैं। ये मसर पक रहे हैं। ये आज की हमारी इफ्तारी है। बोतलें हैं दो, चावल हैं, समोसे पकौड़े, केले, सेब अभी काट रहे हैं और टिक्की हैं, इधर भी चावल ही रखे हुए हैं। अभी नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं। नमाज पढ़ने के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब की। तो आगे तकरीबन कुछ भी नहीं होगा, क्यों आज थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ भी मूड नहीं है, क्यों सुबह से तो लगे हुए हैं जनरेटर के सिलसिले में। तो बस अभी ये वीडियो अपलोड करके ना जल्दी जल्दी से फ्री होते हैं, तो बस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।